चार साल के कड़ी इंतजार के बाद मुझे ये मूवी देखने को मिला, विनय विद्या रामा, रामचरण स्टारर ये मूवी। हालांकि ये मूवी 2019 में रिलीज हो गई थी, लेकिन इसका हिंदी डब अभी तक अवेलेबल नहीं था। इतने समय के बाद ये मूवी फाइनली गोल्ड माइन ने अपने टीवी चैनल पे इसको प्रीमियर किया। तो क्या इतना समय का इंतजार वर्थी था? मूवी एंटरटेन करती है? करेंगे रिव्यू और बताएंगे आपको। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मूवी का स्टोरी के बारे में कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जहाँ पे चार अनाथ लड़के होते हैं जो ट्रेन के नीचे आके मरना चाहते हैं चारों, लेकिन तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो जाके उसे देखता है। फिर वो लोग उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसे पढ़ाना चाहते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी 3-4 साल का बड़ा हो जाता है, तो उसके भाइयों लोग को मारने आता है गुंडा। तो 3-4 साल का बच्चा गुंडे को मार देता है। कोई लॉजिक है इसमें? नहीं है ना। इसलिए पहले बता देता हूँ, दिमाग को थोड़ा साइड में लेके बैठना, क्योंकि लॉजिक खोजने जाओगे इस मूवी में घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद वो छोटे लड़के काम करता है और बाकी चारों भाइयों को पढ़ाता है। इसमें से एक IAS बन जाता है, जिसको सही से इलेक्शन करने का ड्यूटी मिलता है बिहार में, और वहाँ पे एक खतरनाक विलेन होते हैं विवेक ओबरॉय। उसके बाद दोनों में कांड होता है। उसके बाद क्या स्टोरी में होगा आप लोग को इस मूवी में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि लॉजिक ढूंढने जाओगे तो घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट हाफ में तो क्या चल रहा है स्क्रीन पे, क्यों चल रहा है आपको समझ ही नहीं आएगा यार। मतलब इधर से आ रहा है, इधर ठोक के चल जा रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम। हिंदी डब भी उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। बाकी ओवरऑल ये मूवी दिमाग का भोसरा कर देगा और पता नहीं क्या क्या कर देगा। अगर तुम लोग बस इंटरटेन के लिए मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली जाके देख सकते हो, अगर तुम्हें लॉजिक और कहानी से कोई मतलब नहीं है। अगर लेकिन तुम्हें प्रॉपर स्टोरी के साथ मूवी देखना है तो मैं तो बोलूंगा मत ही देखो। मैंने इसे 4 साल के लिए वेट किया था कि देखूंगा और मेरा दिमाग खराब हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।